देख रहे हैं आज खबर। मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां राजधानी लखनऊ में आतंकी संगठन अलकायदा का एक आतंकी भारी विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि काकोरी थाना क्षेत्र की सीते बिहार कॉलोनी में छापेमारी कर एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस को यहाँ पर संदिग्ध आतंकवादी छुपे होने की जानकारी मिली थी। एटीएस ने यहाँ छापेमारी कर घर के अंदर से 2 प्रेशर कुकर बम, एक अर्धनिर्मित टाइम बम बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग 3 दिन में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। एटीएस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। सोमवार को एटीएस ने एक संदिग्ध को छापेमारी कर गिरफ्तार किया था। उसी की निशानदेही पर रविवार सुबह फिर एटीएस ने सिराज रियाज और शाहिद उर्फ गुड्डू के मकानों में छापा मारा। एटीएस वसीम नाम के युवक को भी अपने साथ गिरफ्तार करके एटीएस ले गई है। एटीएस ने छापेमारी के दौरान कॉलोनी में शाहिद उर्फ गुड्डू और वसीम को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। इसके बाद वसीम को अपने साथ लेकर चली गई। शाहिद अपने परिवार के साथ सीता विहार कॉलोनी में रहता है। उसने 5 मकानों को किराए पर उठा रखा है। एटीएस को काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा स्थित एक घर में संदिग्ध लोगों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पड़ताल के लिए एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। एटीएस की टीम घर के अंदर भी मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही टीम के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। एटीएस को घर के अंदर प्रेशर कुकर बम और टाइम बम बरामद हुए हैं। एटीएस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। टीम ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे आज की खबर।